ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 288 हो गई, 800 से ज्यादा लोग घायल। रेल अधिकारियों ने सौंपी हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट। बालासोर हादसे के बाद सभी क्षतिग्रस्त बोगियों को ट्रैक से हटाया गया, ट्रैक लिंकिंग का काम भी जारी। 147 ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है असर। बालासोर में भीषण हादसे के बाद प्रधानमंत्री ने किया घटनास्थल का दौरा। बालासोर के अस्पताल में घायलों से भी की मुलाकात, कहा हर संभव मदद दी जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा देंगे। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर हुई चर्चा। हिंसा के बाद अब शांति की ओर लौट रहा है मणिपुर। पिछले दो दिनों में फायरिंग और आगजनी की एक भी घटना नहीं। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में बरामद किए हैं हथियार।